रहमान रहीम, आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल बॉल्स। इसके लिए मेरे पास हैं सब्जियां, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, मटर के दाने हैं, सब्ज मिर्च है, गाजर है, लहसुन है, ये आलू उबले हुए हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये कॉर्नफ्लावर, ये मैदा है 2 चम्मच, ये बेसन के 2 चम्मच, ये स्पाइसी मसाले हैं जिनमें चाट मसाला, लाल मिर्च है, नमक है, धनिया है, काली मिर्च है। अब मैं ये सारी चीज़ें सब्जियां डाल के अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लूँगी, फिर मैं आपको मिलती हूँ चॉप करने के बाद। जब तक मैं ये चॉप करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अब इस तरह से मैं इसको चॉप कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी सब्जियां चॉप हो गई हैं, ये उबले हुए आलू हैं, इनको मैं हाथों की मदद से मैश करूंगी और सारी सब्जियां भी इसमें मिक्स करेंगे, सारे मसाले डालेंगे। पहले मैं आलूओं को इस तरह से हाथों की मदद से मैश कर लेती हूं, फिर इसमें सब्जियां डालेंगे। इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, मैदा डालेंगे, बेसन डालेंगे, कॉर्नफ्लावर डालेंगे, नमक अपने जायके के मुताबिक डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, चाट मसाला डालेंगे, अदरक का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और साबुत धनिया डालेंगे, ज़ीरा भी डाला हुआ है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फिर बॉल बनाएंगे। इस तरह से हाथों की मदद से इनको बॉल बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर इनके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। इस तरह से सारा मिक्सर तैयार कर लिया है, सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसको हाथों को ऑयल लगा के छोटे छोटे से बॉल बनाऊँगी। ये ब्रेड क्रम्स हैं, बॉल बना बना के ब्रेड क्रम्स में रखते जाएंगे, फिर इनको फ्राई करेंगे। इस तरह से जिस साइज़ के आपको चाहिए आप उस साइज़ के बना लें, मैं छोटे छोटे दरमियाने से बनाऊंगी। अफ्तारी में कुछ ख़ास होना चाहिए, रोज़ पकौड़े भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने कहा चलो मिक्स वेजिटेबल बॉल्स बनाते हैं। इस तरह से इनको इस तरह से कोट कर देंगे। इसी तरह से मैं सारे बॉल तैयार कर लूँगी, हाथों को ऑयल लगा के, फिर इसी तरह से ब्रेड क्रम्स में रखते जाएंगे। इस तरह से सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं, इनको ब्रेड क्रम्स लग गया है। अब मैं इनको फ्राई करूंगी, शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार ये मीट बॉल्स तैयार हो जाएंगे। वेजिटेबल बॉल्स इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई ऊपर रख दिया है, घी इसमें डाल दिया है, घी गर्म होने देते हैं अच्छी तरह से, फिर इसमें बॉल्स डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये रखूँगी बॉल्स। एक से 2 मिनट के बाद इनकी साइडों को चेंज करेंगे, अभी इनको पकने देते हैं। इस तरह से इनकी साइडों को आप पलट देते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। अफ्तारी में बनाएं बहुत मज़ेदार वेजिटेबल के मिक्स वेजिटेबल के बॉल्स तैयार होंगे। खस्ता खस्ता क्रिस्पी क्रिस्पी से तैयार हो जाएंगे, अफ्तारी में बनाएं, एंजॉय करें, रोज़ पकौड़ों को भी दिल नहीं करता।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, यह आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार हो गया, मैं इनको निकाल लेती हूँ। इसी तरह से फिर दूसरे डालेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी से, क्रंची क्रंची से तैयार हो गए हैं। केचप के साथ, दही के रायते के साथ, हरी चटनी के साथ बहुत मज़ा देंगे। बाकी भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। इसी तरह से मैंने दोबारा बॉल्स डाल लिए हैं। किसी दिन इसी तरह मीट बॉल्स भी बनते हैं, किसी दिन मैं आपके साथ मीट बॉल्स की रेसिपी भी रमज़ान में ही शेयर करूँगी इफ्तारी के लिए भी। अब मैं इनकी साइडों को इसी तरह से फिर से चेंज करती हूँ। इसी तरह से मैं सारे बॉल्स बना लूँगी। बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। इसी तरह से मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट मीट बॉल्स तैयार हो गए हैं। इनको बनाएं, वेजिटेबल बॉल्स, और इन्जॉय करें दही के रायते के साथ, केचप के साथ। बहुत ही सॉफ्ट और नरम है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। इस तरह इनको बनाएं, इन्जॉय करें इफ्तारी में। चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखा करें।